स्टार्ट कर रहे हैं आज मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनमें मेटल होता है और उन कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। ये चीज जो है ऐसा नहीं कि अभी डेवलप हुई है, बरसों से ये चीज हो रही है। यानी सिविलाइजेशन में अगर कॉपर और आयरन ये देखें तो हजारों साल से कॉपर और आयरन के जो है वेसल्स बनाए जा रहे हैं, बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि साइंस ने अभी डेवलप की हुई है। जब लोगों को नहीं पता था मेटलर्जी के प्रोसेसेस के बारे में कि क्यों हो रहा है, तब भी ये चीज हो रही थी, ठीक है ना। और वो बिल्कुल वैसे हो रही थी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड, ठीक है ना। यानी जब लोगों को बिल्कुल नहीं पता था तब भी उन्होंने एक सेंस कर लिया कि जैसे इस अगर मान लो कोई स्टोन मिला, उनको उसमें मेटल है, तो उनको ये सेंस हो गया कि इस मेटल को निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने हिसाब से डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करके मेटल को निकाला है। मतलब ये चीज उन लोगों ने भी की है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक ना। तो वही प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से। तो मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन मेटल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की। अब मिनरल्स हम किसको बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड नेचर में जिनके अंदर जो है मेटल होता है। यानी मिनरल्स की डेफिनेशन ये है कि दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट, ठीक। ऐसे कंपाउंड को जो है हम बोल रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब है कि उसमें मेटल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ दूसरी डेफिनेशन पर हम देख रहे हैं ओर। अब ओर्स आर मिनरल्स ही ओर हैं, ठीक है। लेकिन ओर की डेफिनेशन ये है कि ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को इजीली निकाल सकें, यानी कि जिनसे कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना। भाई मान लीजिए किसी कंपाउंड में मेटल जो है 0.001%, तो उसका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल नहीं है, है ना। यानी अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो उसमें खर्चा आएगा वो उस मेटल के मिलने से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें उनको देखना पड़ेगा जिनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटल पड़ा हुआ है, उन्हीं को हम क्या मानेंगे, ओर्स, ठीक है। यानी ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, है ना। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी, और ये यहां पर स्पेसिफिक हो गया कि इनमें जो है those mineral from which metal can be extracted economically and conveniently। तो ऐसे मेटल को जो है, ऐसे मिनरल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, ओर्स। अब ओर्स से जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके मेन स्टेप्स क्या क्या है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेन स्टेप्स हम देख रहे हैं इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि जब ओर्स मिलता है, ठीक है ना, तो जैसे चट्टानों की फॉर्म में होता है, रॉक्स की फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले उसे फोर्स, शियर फोर्स से तोड़ा जाता है टुकड़ों में, ठीक है ना। वो तोड़ना मतलब वैसे ये जैसे हथौड़े से या किसी और क्रशर से हम उसको छोटे छोटे स्टोन्स में, इस साइज के स्टोन्स में तोड़ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम होता है द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। यानी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उस पत्थर को बारीक बारीक जो है पाउडर में चेंज करना होगा, ठीक है।
दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वी आर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन द पाउडर. अब जो ओर हमने पाउडर फॉर्म में बनाया है, ठीक है, उस ओर में मेटल पार्टिकल्स भी हैं और साथ में इम्प्योरिटीज भी हैं, और बहुत तरह की इम्प्योरिटीज हैं. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है ना, उसके अलावा अलग तरह की इम्प्योरिटीज है, स्टोन की इम्प्योरिटी, सिलिका की इम्प्योरिटी, ठीक है. तो उन सब इम्प्योरिटी को अगर हम किसी तरीके से निकालते जाए, व्हाट हैपन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीजेस. इसलिए प्रोसेस का नाम हमने क्या रख दिया है, कॉन्सेंट्रेशन. तीसरा प्रोसेस इसमें कन्वर्जन इंटू मेटल ऑक्साइड, ठीक. यानी हम क्या करेंगे कि जिस भी फॉर्म में वो पड़ा हुआ है और हमारे पास, हम ट्राई करेंगे कि इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है. यानी अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड अगर हमारे पास मिल गया, जिसे MO से मैं लिख रहा हूं, तो अगला प्रोसेस हमारा ऑक्सीजन हटाना होगा. और किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हटाएं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक ना. तो रिडक्शन इन ऑक्साइड्स का बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी और पड़ा हुआ है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक. और अगला स्टेप आता है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक. यानी हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर मेटल को सेपरेट कर लेंगे. ये हमारा एक तरह से यूं मान लो सेकंड लास्ट स्टेप है कि हमें मेटल मिल गया. पर अभी भी ये मेटल ऐसा होगा कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज पड़ी होगी, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जो है इकोनॉमिकल नहीं बोल सकते, या ये नहीं बोल सकते कि सेलिंग होगी इसकी. तो लास्ट स्टेप हमारा ये है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. तो प्रोसेस आप समझ लें, सबसे पहले होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है. उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद मेटल ओर्स इन आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स. देन मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. रिडक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू मेटल, और फिर जो मेटल हो गया उस मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं. जैसे इम्प्योरिटीज, मान लो प्योरिटी मेटल की मिल गई हमें 90%, तो जो 10% बची हुई इम्प्योरिटी हम उसे भी निकालेंगे, समझ बात. तो ये लास्ट स्टेप है. अब इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम इनको जनरलाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद एक स्टेप यहां पे आता है कि हाउ टू सेलेक्ट सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. तो एक यहां पे जो है हम इस डिटेल में इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा चूज किया जाए, और उसके बाद हम थर्मोडायनामिक तरीके से इस चीज को देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट की थर्मोडायनामिकली क्या इसकी यूटिलिटी है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन थर्मोडायनामिक से अफेक्टेड होता है, जिसके लिए हम एलिंगम डायग्राम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो एक बार तो हम इसको जनरल तरीके से पढ़ेंगे, जनरलाइज करके, फिर डिफरेंट मेटल्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो ये पार्ट है इसके. तो इनमें मेन ये पांच स्टेप है जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक. चलो नोट करो, बता दो टाइप्स ऑफ ओर कौन कौन से. टाइप्स ऑफ ओर, अब ये वाला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ ओर, ये टॉपिक मोर ओवर याद करने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ओर्स का कॉमन नेम क्या है ना. अब कॉमन नेम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो ये जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो मैं बोल देता हूं कि यहां पे कुछ याद करना है आपको, ठीक है. और लास्ट ये जो जेई एडवांस, इस साल जो जेई एडवांस का पेपर था उसमें नाम का ही क्वेश्चन आया था, ठीक ना. तो ये चीज जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पर याद करने वाली चीज है जो मैं यहां बता रहा हूं. तो ओर जो है दुनिया में दो तरीके से पाए जाते हैं. सबसे पहले नेटिव ओर मीन्स मेटल इज इन फ्री स्टेट. यानी कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि ओर्स में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सीधे पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल मैं ले लू सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, पैलेडियम, प्लेटिनम. यानी कि नेचर में ये मेटल सीधे ही
सिलिका या इम्प्योरिटी जो भी हैं उनके साथ सीधे पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड का मैं एग्जांपल लूँ तो गोल्ड की जो माइंस होती है उन गोल्ड की माइंस में जो इम्प्योरिटीज़ हैं यानी गोल्ड का जो पाउडर बना के और फिर इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है किसी केमिकल मेथड से, लेकिन उसमें गोल्ड केवल इसी फॉर्म में है, एजी फॉर्म में। ये चीज मैं क्या समझा रहा हूं कि जो दूसरा कैटेगरी हमारा वो है कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये होगा कि किसी ने किसी एलिमेंट के साथ पड़ा हुआ है। नेटिव और कंबाइंड में क्या डिफरेंस होगा कि नेटिव का मतलब है प्योर इसी फॉर्म में है, एजी एजी की फॉर्म में ही है, ठीक है। लेकिन अगर एजी एजी टू एस की फॉर्म में होगा तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा, कंबाइंड, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि ये अकेले फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या एलिमेंटल फॉर्म बोल दें हम कि दिस इज एलिमेंटल फॉर्म। क्या कारण है कि एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये वो कंपाउंड है जिसे हम सिल्वर और गोल्ड को नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेटिनम को नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो ये नोबल मेटल्स इसलिए है बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स। तो जो मेटल दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे वो किस स्टेट में मिलेंगे मुझे, नेटिव गोल्ड। तो यहां से एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि सिल्वर प्योर सिल्वर की फॉर्म में ही, ठीक है। यहां थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पे कंबाइंड फॉर्म है, जैसे मान लो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो फिर हमारा पहला काम क्या है, उस ऑक्सीजन को वहां से निकालना, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में जो सबसे पहला हम देख रहे हैं फर्स्ट, ये है ऑक्साइड ओर्स। नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या पड़ा होगा, ऑक्सीजन। जैसे मैं एग्जांपल लिख लूं, Fe2O3 L2O3.2H2, ठीक है। इसको बोलते हैं यहां से हेमेटाइट। L2O3 को बोलते हैं बॉक्साइट। अभी कॉमन नेम्स हैं इनके, कॉमन नेम्स है तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन जो आया था वो इसी तरीके से होगा कि आइडेंटिफाई विच ओर्स आर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, तो याद होगा तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी ऑक्साइड्स ओर। सेकंड जो ओर है वो है कार्बोनेट ओर, जैसे Fe2O3 FeCO3 है, ठीक है। इसके अलावा जो है CaCO3 है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3, इसको बोलते हैं हम डोलोमाइट, ठीक। तो कार्बोनेट और है, दिस इज मैग्नेसाइट, मैग्नेट की फॉर्म, ठीक। थर्ड है सल्फाइड और, सल्फाइड और जैसे PbS गैलेना, इसके बाद जो है HgS ले लूं मैं सिनेबार, सिनेबार, कॉमन नेम्स है याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चौथा है हेलाइट्स, हेलाइट्स का मतलब है हेलोजन के साथ, जैसे NaCl, NaCl इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट, ठीक। एंड AgCl इज कॉल्ड एज हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। इसके बाद है फिफ्थ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में NaNO3 इज कॉल्ड एज चिली सॉल्ट पीटर। छठा है फॉस्फेट, ये है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये कहलाता है फॉस्फोराइट, ठीक। तो देखिए ओर्स का जो कैटेगरी है वो ये है कि नेटिव ओर जो एलिमेंटल या फ्री स्टेट में है, कंबाइंड फॉर्म में सबसे पहला ऑक्साइड, नेचर में ज्यादातर कौन से मिलते हैं, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट आयन साथ में है तो कार्बोनेट्स, सल्फर S-2 साथ में है तो सल्फाइड्स, हेलाइड में हेलोजन साथ में होगा तो हेलाइड्स, नाइट्रेट में NO3- होगा साथ में तो नाइट्रेट्स, और फॉस्फेट में PO4-3 साथ में होगा तो फॉस्फेट, समझ बात। तो नेचर में इस तरीके से इस फॉर्म में जो है ओर्स पाए जाते हैं। अब यहां और भी एग्जांपल हो सकते हैं,
ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के पहले पेज पे या जो शीट जो आपको मिलेगी उसमें उन सबकी लिस्टिंग है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज बोली थी कि ये जो पहला पेज है इसे याद करना ही पड़ेगा टेबल को, जितने भी नाम है, और नाम में कोई लॉजिक नहीं है वो हमें सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम चैप्टर में हम ये करेंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि जेई में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कलर का पूछ ले कि विच कंपाउंड्स आर येलो कलर, जैसे लास्ट ईयर क्वालिटेटिव एनालिसिस में यही क्वेश्चन आया था कि विच सल्फाइड्स आर ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, ठीक है। तो वो हमें पहचानना है और वो क्वेश्चन प्योरली याद करने वाला है, वहां पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये चीज आ गई है तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक। तो अब और से याद करने के बाद नेक्स्ट चीज जो है एक्सटेक्चराइजेशन भी बोलते हैं। पल्वराइजेशन का मतलब ये होता है बारीक पाउडर में कन्वर्ट करना, ठीक। और बारीक पाउडर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, दिस इज डन इन बॉल मिल और रॉड मिल, ठीक है। बॉल मिल और रॉड मिल क्या होती है कि जैसे मान लो मैं बॉल मिल का डायग्राम बना रहा हूं कि इस तरीके से इसमें स्टील की बॉल्स पड़ी होती है, ठीक है। राउंड शेप स्टील बॉल्स आर प्रेजेंट और इसको रोटेट किया जाता है कंटिन्यूसली, और इसके अंदर जो है हम ओर का एक टुकड़ा रख देते हैं, ठीक ना। तो ओर्स के टुकड़े रखकर हम जब इसको रोटेट करेंगे तेजी से तो फिर जो ओर के टुकड़े हैं वो स्टोन इनके बीच में आएंगे स्टील बॉल्स के बीच में, और इनके फोर्स की वजह से वो बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बॉल्स की जगह रोड्स ले लेंगे तो रोड्स के बीच में घूमेगा पत्थर तो उससे भी बारीक हो सकता है। तो मिल के अंदर अगर हम रोड्स लेते हैं तो रोड मिल और बॉल्स लेते हैं तो बॉल, और इसका पर्पज क्या है, टू कन्वर्ट दिस ओर इंटू पाउडर फॉर्म, यानी कि यहां से ओर इज कन्वर्टेड इंटू पाउडर्ड फॉर्म, ठीक ना। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगला काम हमारा होगा कि इम्प्योरिटीज को निकाला जाए, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप हमारा वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इट इज रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ठीक। यानी सिंपली अगर मान लीजिए इम्प्योरिटीज 80% है और मेटल 20%, अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज निकालते जाएंगे तो मेटल का परसेंटेज उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तो ये इस प्रोसेस का पर्पज है कि हमें इम्प्योरिटीज को निकालना। अब उसके लिए हम कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसका दूसरा नाम है ग्रेविटी सेपरेशन, या इसका और नाम है लेविगेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब सिंपल है कि इसमें अपन जो है पाउडर फॉर्म में जो ओर लिया है इसको वाटर के साथ जो है मिलाकर इसको हिलाते हैं, ठीक ना। और ये किसके लिए यूजफुल है, इट इज डन फॉर ऑक्साइड्स, ठीक। जैसे एग्जांपल हम ले लें हेमेटाइट, कॉमन नेम्स से याद करने पड़ेंगे, Fe2O3, और पायरोलुसाइट है MnO2। तो ऑक्साइड ओर्स के लिए सुटेबल है, ठीक ना। इसमें हम क्या करते हैं, ओर इज वॉश्ड विद वाटर। इस चैप्टर को हमें ऐसे समझना है जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पहला काम था हमारा पाउडर हमने बना लिया और हमने उस पाउडर को पानी में डाल के घोल लिया। अब घोलने के बाद क्या होगा कि ग्रेविटी सेपरेशन इसलिए बोलते हैं कि जो भारी मेटल पार्टिकल्स हैं, दे सेटल डाउन एट द बॉटम
and impurities comes out on the surface. ठीक है, ये इस principle पे based है कि ore particles are heavier. Ore particles, या हम इसको बोलें कि metal particles are heavier than impurities. Then impurities. So they will settle down. They will settle down at the bottom. अब हमने ये principle इस पर लिया कि oxide के particle normally density में ज्यादा होते हैं impurities से, और अगर डेंसिटी में ज्यादा होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, और इम्प्योरिटीज ऊपर होगी तो उस केस में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे, आर वॉश्ड अवे फ्रॉम वाटर, बाय वाटर, बाय वाटर. इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो अपने पास सिल्वर का बारीक पाउडर है और उसमें मिट्टी मिला दी मैंने, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर उस मिक्सचर को मैं पानी में घोल दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं हेवी वो तो बॉटम पर जो है इकट्ठे हो जाएंगे और मिट्टी उसमें घुली हुई रहेगी. तो अगर हम कंटिन्यूअसली वाटर उसमें से पास करें, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज उस वाटर की हेल्प से बाहर निकल जाएगी. यानी सिंपल ऐसे ही है कि जैसे यहां पर जो है वाटर हमने फ्लो स्ट्रीम पास किया, ठीक है, इम्प्योरिटी जैसे यहां पर है और यहां पर जो है मेटल इकट्ठा हो गया, मेटल पार्टिकल, तो यहां से वाटर स्ट्रीम पास करेंगे तो ये साथ में इम्प्योरिटीज को ले जाती जाए. बिल्कुल वैसे ही है जैसे कपड़े वॉश किए जाते हैं बाल्टी में, जैसे गंदगी है सर्फ का पानी है, तो जब साफ पानी डालते हैं तो निकलता जाता है, उसी तरीके से, ठीक है ना. तो ये डायग्राम से समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इट इज वॉश्ड अवे विद द वाटर. क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है ना. ये फिजिकल मेथड में आता है, ठीक है, यानी इसको मैं फर्स्ट ये लिख दूं कि दीज आर द फिजिकल मेथड्स. यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां पे हम सिर्फ डेंसिटी का यूज कर रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा हेवी है वो नीचे आ जाए. अब दूसरा केस हमें कंसिडर करें कि अब की बार तो मेटल पार्टिकल जो है ये भारी थे, नीचे आ गए बॉटम पर. ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटीज आर हेवियर, ठीक है, एंड मेटल पार्टिकल्स आर लाइटर. अगर इसका उल्टा केस हुआ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. नेक्स्ट जो प्रोसेस है बी वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. अब फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इट इज सुइटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स, एग्जाम्पल PbS, ZnS, CuFeS2, ठीक है, यानी उनके लिए सुटेबल है जिनमें सल्फर पड़ा हुआ है, और जिनमें सल्फर पड़ा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड ओर्स. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मेटल पार्टिकल्स आर लाइटर देन इम्प्योरिटीज, लाइटर देन इम्प्योरिटीज. अब अगर इम्प्योरिटीज लाइटर हुई, हेवियर हुई, तो वो तो कहां जाएगी, बॉटम पर आ जाएगी, और मुझे मेटल को निकालना है. लेकिन मेटल वैसे ही नहीं निकल सकता जैसे यहां होता है, ठीक है ना, कि अपन वाटर जेट वहां से पास कर दें और मेटल निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं. तो हम उस केस में क्या करते हैं कि फ्रॉथ्स बनाते हैं, ठीक ना, यानी कि झाग बनाएंगे. और झाग बनाने का नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यही है कि जब किसी चीज को तेजी से हिलाया जाता है, ठीक ना, जैसे अब मान लो आप बटर मिल्क का एग्जांपल लो, उसको तेजी से हिलाया जाए तो उसमें जो है फ्रॉथ जनरेट होने लग जाएंगे, ठीक ना. साबुन का पानी आप बाल्टी में डाल के उसको तेजी से हिलाएं तो उसमें भी बुलबुले बनने लग जाएंगे, फ्रॉथ्स बनने लग जाएंगे, ठीक है. तो हमारा पर्पज ये है कि उस सॉल्यूशन में जिसमें वाटर है वहां फ्रॉथ्स बनने लग जाए, और उन फ्रॉथ की हेल्प से जो लाइटर मेटल पार्टिकल्स हैं दे कम्स आउट एट द सरफेस, ठीक.
तो सरफेस पे फ्रोथ आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और सरफेस से उनको जो है मतलब इस तरह का कंटेनर है जिसमें छोटे छोटे छेद यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि यहां से जो मेटल पार्टिकल जो है एक अलग जगह गिरने लग जाएंगे इस तरीके से फ्रोथ। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो फ्रोथ है ये ऊपर आ जाए और फिर यहां से बाहर निकाल लें, और जो यहां पे बॉटम पे होगा, यहां बॉटम पे जो है ये इम्प्योरिटी जो है बच जाएगी। तो यूज तो तभी करेंगे जब मेटल पार्टिकल्स आर लाइटर देन इम्प्योरिटीज, और वो कौन से होते हैं, सल्फाइड होगा। ये किसके लिए है, ऑक्साइड, ठीक ना। अब अपना जो मेन काम है वो क्या है कि फ्रोथ बनाना, क्योंकि फ्रोथ की हेल्प से ही मेटल पार्टिकल ऊपर आएंगे जिनको हम यहां पे इधर बाहर निकाल के एक अलग जगह पे रख लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, सुखा लेंगे। तो हुआ क्या, इम्प्योरिटीज यहीं बच गई और जहां इधर आ गए मेटल इधर आ गया, तो परसेंटेज बढ़ गई मेटल में, मेटल की परसेंटेज और पार्टिकल्स में बढ़ गई, ठीक ना। तो फ्रोथ बनाने के लिए हम एक कंपाउंड डालते हैं जिसे बोलते हैं फ्रोथर्स। फ्रोथर्स का काम क्या होगा कि झाग बनाना। तो पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल डाल देते हैं इसमें, तो तेजी से झाग बनने में मदद करेगा। एक होता है फ्रोथ एक्टिवेटर जो कि फ्रोथ को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। वो कंपाउंड कौन से के, एमाइंस या क्रिसोल होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो है फ्रोथ को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, पहला काम हमारा क्या है, फ्रोथ को बनाना, ठीक। तो नोट डाउन कीजिए, जो चीज यूज करते हैं वो है फ्रोथर्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रोथ्स। एग्जाम्पल पाइन ऑयल, या फिर हम इसमें डाल देते हैं केम्फर ऑयल, ठीक है। तो ऑयल डालने से क्या होगा, तेजी से फ्रोथ बनने लग जाएंगे। सेकेंड कंपाउंड हम इसमें डालते हैं फ्रोथ एक्टिवेटर्स। ये होता है कि इट स्टेबलाइजेस फ्रोथ। इसका लॉजिक ये होता है कि अगर झाग बन गए हैं, फ्रोथ्स बन गए हैं, तो उनकी लाइफ भी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि तुरंत वो फूट जाए। तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कंपाउंड डालते हैं फ्रोथ एक्टिवेटर्स, एग्जाम्पल एमाइंस, या हम डालते हैं क्रिसोल्स, ठीक। और तीसरा कंपाउंड है कलेक्टर। अब झाग बन गए और स्टेबल भी, तो हमारा एक और कंपाउंड वहां पे नीडेड है कि जो उन फ्रोथ्स को बनने में मतलब कलेक्ट होने में मदद करे, ताकि वो इकट्ठे होके जो है सरफेस पे आ जाए और फिर बाहर निकाले जा सके। फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस यही होगा कि यहां पर आपने सोल्यूशन लिया, इसमें आपने एक फ्रेंड डाल के इसको रोटेट करना चालू कर दिया, ठीक। और इसमें आपने जो है ओर डाला हुआ है, नीचे जो है इम्प्योरिटीज आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर फ्रोथ इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से। तो तीन कंपाउंड डाल रहे हैं, फ्रोथर्स, फ्रोथ एक्टिवेटर्स एंड कलेक्टर्स। कलेक्टर्स जो है विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रोथ्स। इसका एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम इथाइल ज़ेंथेट। सोडियम और पोटेशियम इथाइल ज़ेंथेट क्या काम करता है कि मान लीजिए और पार्टिकल है, तो सोडियम और इथाइल ज़ेंथेट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये पार्ट होता है इसका हाइड्रो। इसे ओर को हमने वाटर के साथ मिक्स किया और इसको हमने एक फैन डाल के इसको रोटेट करवाया, ठीक है। अब रोटेट करवाते वक्त इसमें पाइन ऑयल डाल देते हैं जो कि क्या काम करेगा, फ्रोथ बनने में मदद करेगा। क्रिसोल्स या एमाइंस डाल देते हैं जो कि उन फ्रोथ को स्टेबलाइज करेगा, उनकी लाइफ शेल बढ़ा देगा। और तीसरा कंपाउंड है कलेक्टर्स। ये कलेक्टर्स क्या करेंगे, इन ओर पार्टिकल पे चिपक जाएंगे और इनका ये पार्ट बाहर होगा। सरफेस केमिस्ट्री में आपको याद हो तो मिशेल्स इस तरीके से बनते थे, सोप का क्लींजिंग एक्शन,
तो ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है बाहर, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, वाटर से बाहर आने लग जाएगा, यानी इट मेक्स इट एज ए इनसोल्यूबल पार्टिकल, समझिए। और चिपका कैसे है, ये बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, कलेक्टर्स सोडियम और पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये यहां पे एड्सॉर्ब होके और इसको वाटर इनसोल्यूबल बना देते हैं, और इनसोल्यूबल होके ये फ्रोथ आपस में इकट्ठे होने लग जाते हैं। समझ गए मैकेनिज्म, ठीक। इसमें और भी कंपाउंड हम डालते हैं, ये है डिप्रेसेंट और एक्टिवेटिंग एजेंट। इनका जो पर्पज होता है वो है फॉर सेलेक्टिव फ्रोथ मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है वो एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं ले लू ZnS प्लस PbS और ZnS कम मात्रा में है वो इम्प्योरिटी। अब ये चीज समझ लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है कि दो मेटल एक साथ होते हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों मेटल में किसी एक मेटल को इम्प्योरिटी मान के ट्रीट करते हैं, ठीक। इम्प्योरिटी हम उस मेटल को मानते हैं जो कम मात्रा में है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल एल्यूमिनियम मेटल हमारे पास है, उसमें 0.1% अगर गोल्ड है तो गोल्ड को वहां पे इम्प्योरिटी माना जाएगा, समझ रहा, तो एल्यूमिनियम को नहीं माना जाएगा क्योंकि हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से, एल्यूमिनियम, तो गोल्ड हटाना पड़ेगा। अब रिवर्स केस ले कि एल्यूमिनियम अगर हमने लिया गोल्ड लिया और उसमें 0.01% एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, तो अब एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी। तो इन दोनों में से इम्प्योरिटी हम उसको ट्रीट करेंगे जो कम मात्रा में होगा, लेस अमाउंट। तो मैंने मान लिया कि ZnS इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इम्प्योरिटी। अब हम ये चाहते हैं अगर हमने झाग बनाए, फ्रोथ बनाए, तो ये दोनों सल्फाइड ओर्स हैं और दोनों के झाग बने, हम चाहते हैं कि इसको यहीं रोक दिया जाए, ठीक। अब इसको यहीं रोकने के लिए एडिशन एड NaCN, सोडियम साइनाइड मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ZnS प्लस NaCN मिलकर यहां से कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा ZnCN4-2 और इसका फ्रोथ बनना रुक जाएगा क्योंकि अब ये सल्फाइड नहीं रहा है पार्टिकल। तो होगा ये कि इसके फ्रोथ जो है, सो इट विल नॉट फॉर्म फ्रोथ, ओनली PbS विल फॉर्म फ्रोथ्स। ये लॉजिक समझे भाई, अगर हम ये नहीं मिलाते NaCN तो दोनों के ही फ्रोथ ऊपर आते और फिर हम उसको इकट्ठा करते तो उसमें इम्प्योरिटी ZnS की पड़ी होती। हमने क्या किया, ZnS और PbS की इस सॉल्यूशन में NaCN मिला दिया विच कैन इजीली फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ZnS और इस कॉम्प्लेक्स से बनने की वजह से इसका फ्रोथ बनना रुक जाएगा, ठीक ना। और एक्टिवेटिंग एजेंट ये है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के फ्रोथ बनने में मदद करने लग जाए, तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, एक्टिवेटिंग एजेंट। जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के फ्रोथ बनने को रोक रहा है उसको बोल देंगे डिफरेंशिएटिंग एजेंट, ठीक ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में जो इंपॉर्टेंट काम की बात है वो क्या है कि सल्फाइड ओर के लिए सुटेबल है, मेटल पार्टिकल हल्के हैं, फ्रोथर्स डालते हैं पाइन ऑयल, ठीक है, फ्रोथ एक्टिवेटिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है ना, एक्टिवेटर्स, ठीक है, एमाइंस या क्रिसोल्स, कलेक्टर डालते हैं इकट्ठा करने के लिए सोडियम इथाइल जेंथेट। और ये कंपाउंड हर एक के लिए अलग अलग, ये जनरल नहीं है, ये कि हर कंपाउंड के हिसाब से एक अलग हमने एक्टिवेटिंग एजेंट या डिप्रेसिंग एजेंट, ये डिप्रेसेंट बोलेंगे इसे। डिप्रेसेंट क्यों है, क्योंकि ये रोक रहा है, अगर कोई बनने में मदद करेगा तो उसे बोलेंगे एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दूसरा फिजिकल मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। सी, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करते हैं, व्हेन
either metal or impurities have magnetic properties. इसका मतलब यह है कि मेटल या इम्प्योरिटीज में से कोई ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेट पे चिपक सके. इसमें प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट लगा दी जाती है और इस साइड से जो है हम ओर को यहां पे इस पे गिराते हैं. ये बेल्ट इस तरीके से घूम रही है, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरीके से आएंगे. अब पार्टिकल आएंगे तो ये मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, या फिर यहां पे मैग्नेट लगा हुआ है या फिर बेल्ट में ही मैग्नेट है. तो होगा क्या कि जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो चिपक कर यहां गिर जाएगा इस साइड, और जिसमें नहीं होगी वो थ्रस्ट से आगे चला जाएगा इस तरीके से. यानी अगर मैं कंसिडर करूं कि मेटल हैज इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मेटल पार्टिकल चिपक कर इसके साथ यहां तक आएंगे और इधर गिरेंगे इस साइड, जबकि इम्प्योरिटीज इसके साथ यहां थ्रस्ट से इधर गिरेगी. तो दो अलग अलग जोन बन जाएंगे, मेटल अलग इम्प्योरिटीज अलग. समझ गए बात हूं, ठीक है ना. इम्प्योरिटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तो इम्प्योरिटी यहां गिरेगी और मेटल पार्टिकल इधर गिर जाएगी. तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है SnO2 टिन का और होता है जिसका कॉमन नाम है कैसीटेराइट. Contains impurities. Of wolframite. Wolframite बोलते हैं FeWO4 plus MnWO4. इसको wolframite बोलते हैं, common name से याद करना पड़ेगा. Cassiterite ore में wolframite की impurities होती है which are magnetic. तो अगर हम टिन ओर को यहां पर डाल के रोटेट करवाएं तो वोल्फ्रेमाइट की जो इम्प्योरिटीज है वो इधर गिर जाएगी, ठीक है, और टिन का जो पार्टिकल है वो इधर गिर जाएंगे, ठीक ना. तो इस तरीके से हम इसको बड़े इजीली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड तभी सुटेबल होगा जब इनमें से कोई एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, ठीक ना. अब ये हम जो पढ़ रहे हैं ये है फिजिकल मेथड. अब अगर मान लो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो पाया, देन वी हैव टू अप्लाई केमिकल मेथड्स, ठीक ना. तो ये फिजिकल मेथड के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स. सेकेंड में ले रहा हूं केमिकल मेथड. अब केमिकल मेथड जो है इसका नाम है स्पेसिफिकली लीचिंग, ठीक. लीचिंग हम कब यूज करेंगे कि वेन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल विद फिजिकल मेथड, ठीक है. यानी कि इसमें हम ये कहते हैं कि इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट्स, ठीक. ये हम किन के लिए यूज करते हैं, एग्जाम्पल सिल्वर गोल्ड या बॉक्साइट ओर ले लें हम. बॉक्साइट ओर होता है L2O3.2H2. अगर इनसे इम्प्योरिटी हटानी है तो हमें लीचिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये प्रोसेस भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं कि सिल्वर नेटिव ओर है, यानी कि जो हमने स्टोन लिया है या ओर लिया है इसमें ये इसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, और ये अकेला नहीं पड़ा हुआ है, इसके साथ इम्प्योरिटीज भी. इम्प्योरिटीज कई तरह की हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है. इसके अलावा वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो सकती है, सिलिका की इम्प्योरिटी मेजर है, रेत सबसे ज्यादा होगी, ठीक. तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम इसमें NaCN डाल देते हैं, ये केमिकल रिएजेंट है. अब केमिकल रिएजेंट क्या करता है, NaCN सोडियम साइनाइड, ये Ag को डिजोल्व कर लेता है. यानी पाउडर फॉर्म में, पाउडर को एक सॉल्यूशन फॉर्म में लाए हम, उसमें NaCN मिला दिया. तो ये NaCN और Ag मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं AgCN होल ट्वाइस माइनस,
विच इज सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, सिल्वर इसमें घुलकर बाहर निकल जाएगा, इंप्योरिटीज इसमें नहीं घुली तो इंप्योरिटीज वहीं पड़ी रहेगी। समझ गए बात को? ऐसी इसी तरीके से बॉक्साइट के लिए किया जाता है, इसी तरीके से गोल्ड के लिए किया जाता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन के लिए फिजिकल मेथड काम ना आए तो फिर हम केमिकल रिएक्शन डाल के हटाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। ठीक ना, ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा प्रोसेस जिसको हमने बोला है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। अब अगला स्टेप आएगा कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक ना, क्योंकि उसका कारण क्या है, मैंने बता दिया कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन बहुत आसानी से होता है। यानी एक सिंपल बात बोलूं मैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, अपन कार्बन डाल देंगे तो कार्बन इस ऑक्सीजन को खींच लेगा। ठीक है, तो रिडक्शन इज वेरी इजी। ठीक है, तो अब अगला स्टेप देखते हैं, तीसरा इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड अब देखो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। सबसे पहला है कैल्सीनेशन मेथड। कैल्सीनेशन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर कार्बोनेट्स, फॉर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इसमें हम क्या करते हैं, ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग इसका मतलब यह है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करेंगे ताकि पिघले ना। ठीक है, इसको पिघलाना नहीं है, सिर्फ हीट अप करना है। ठीक है, और इसके साथ है इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के अपन जो है इसको हीट अप करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे मैं एग्जांपल लूं, FeCO3 गर्म करूंगा तो क्या मिल जाएगा, FeO+CO2। मैं गर्म कर दूं CaCO3 लाइम स्टोन, गर्म करने पे CaO+CO2। मैं AlOH3 को गर्म कर दूं तो गर्म करने पे Al2O3+ वाटर अलग हो जाएगा। मैं MgCO3 को गर्म कर दूं, यहां से MgO+CO2। डोलोमाइट को गर्म कर दें, CaCO3 MgCO3, तो गर्म करने पे CaO अलग, CO2 अलग, सॉरी MgO अलग और CO2 अलग। ठीक, तो कैल्सीनेशन मींस कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। किसके लिए सुटेबल है? कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कार्बोनेट को गर्म करने पे किसमें बदल गया? ऑक्साइड में। अब इस ऑक्साइड से अगला काम क्या है? ऑक्सीजन को हटाना, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रिडक्शन। ठीक ना, तो उसके बाद वाला स्टेप वो आएगा, पहले हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड से। बात समझ आ गई? ठीक है, दूसरा जो मेथड है इसके लिए बी, वो है रोस्टिंग। कैल्सीनेशन के बाद हम पढ़ रहे हैं रोस्टिंग, और रोस्टिंग और इसमें फर्क यही है, पहले किसके लिए है? फॉर सल्फाइड ओर्स। इसमें कार्बोनेट के लिए है और सल्फाइड के लिए, फर्क यह है यहां भी ओर को हीट अप करेंगे। ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहां भी सिर्फ हीट अप करना है। ठीक है ना, इन एक फर्नेस होता है जिसका नाम है रिवर बैटरी फर्नेस। मतलब सिंपल होता ये कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे ओर को बिछा कर नीचे से हीट अप करना चालू कर देते, फर्नेस का नाम होता है रिवर बैटरी फर्नेस। ठीक है, और इस फर्नेस में जब इसको गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ध्यान देना कि यहां पे क्या होगा, यहां तो कार्बोनेट्स को बिना एयर के अपन ने हीट अप किया,
लेकिन यहां पे हम सल्फाइड्स को एयर के साथ हीटअप करें, इससे क्या होगा वो समझ लो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पीबीएस प्लस ओ टू, ये बना लेगा पीबीओ प्लस एसओ टू, एसओ टू गैस बाहर निकल जाएगा। तो हुआ क्या कि हमने सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, गर्म करने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और एसओ टू बाहर निकल गया। तो सल्फाइड इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड। या फिर कभी कभी हाई टेम्परेचर पे पीबीएस प्लस ओ टू मिलकर पीबीएसओ फोर भी बनाते जो बाद में टूट जाएगा। ZnS प्लस ओ टू ZnO प्लस एसओ टू, एसओ टू बाहर निकल जाएगी। या फिर ZnS प्लस ओ टू से ZnSO4 भी बन सकता है जो अनस्टेबल होगा और वापस उड़ेगा। ठीक, ZnS प्लस ZnSO4। अगला एग्जांपल है, इसमें लिया Cu2S, Cu2S प्लस O2 से Cu2 और साथ में SO2 जो बाहर निकल। अब इसमें एक चीज का ध्यान है कि समटाइम्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑटो रिडक्शन में टेक प्लेस। यानी हम यहां सावधानी रखते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर ना हो, अदरवाइज यहीं पे रिडक्शन होने लग जाएगा। कैसे? पीबीएस प्लस, यहां से हम ले लें Cu2S प्लस Cu2O और ये बनाने लग जाएगा Cu प्लस S। तो जो हमारा पर्पज है यहां तक वो क्या काम है कि यहां हम पहले जो है किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड। कैल्सिनेशन हमने करवाया, कार्बोनेट्स को गर्म किया, ऑक्साइड बनवा लिया। रोस्टिंग हमने करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एयर और हमने सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड। ठीक ना, अब हम ऑक्साइड का रिडक्शन करने वाले हैं। ठीक ना, अब इसमें एक लॉजिक है कि हम यहां पर ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। उसका कारण है कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इज मोर थर्मोडायनामिकली फेवरेबल देन मेटल सल्फाइड्स। ये चीज जो है ना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मान लीजिए एनर्जी ज्यादा लगेगी सल्फाइड्स में तो खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक ना, ज्यादा आसानी से रिडक्शन हो सकता है ऑक्साइड का, इसलिए हम उसको खर्चा बचाने के लिए उस सल्फाइड को कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, ऑक्साइड। ठीक, अब ऑक्साइड के बाद जो अगला स्टेप, यहां इसके बाद हम क्या कर चुके हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करा चुके हैं। स्टेप समझ रहे हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज हटाई कॉन्सेंट्रेशन से, उसके बाद हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा दिए उसको। उससे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी और कम हुई। इम्प्योरिटी मीन्स कि अब आप ये देखो कि जैसे इधर अपन बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट से मैंने ये ले लिया तो इससे CO2 बाहर निकलगी ना, तो परसेंटेज ऑफ आयरन मेटल इंक्रीजेस। ठीक ना, तो कंपाउंड के अंदर ही एक तरह से परसेंटेज मेटल की बढ़ती जा रही है। यहां भी लेंगे तो परसेंटेज जो है मेटल की बढ़ेगा, क्योंकि सल्फर का मोलर मास 32 और ऑक्सीजन का 16, सल्फर रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन से तो 32 की बजाय 16 आ गया, तो परसेंटेज ऑफ मेटल हैज बीन इंक्रीज्ड, एक ये फायदा हो गया। है ना, अब ऑक्साइड को भेजा जाएगा रिडक्शन के लिए नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक ना, तो ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं।